ही बल है, और एकता में बल इसीलिए नहीं है कि काम कम मजदूर ज़्यादा। जब कोई भी चीज़ कम बाजार में मार्केट में देखिए, जो सामान कम उपलब्ध है उसका भाव ज़्यादा हो जाता है। हम संबल परिवार से हैं, संगीता मैडम के द्वारे आए हैं, रिंकू देवी मेरा नाम है, और अभी तक जो भी है मैडम जी के तरफ से मतलब हिम्मत मिला है, ताकत मिला है, जो हम लोग आगे बढ़े हैं। हम अकेला महिला हैं, मेरे मतलब विधवा है, और हम लोग को सरकार के तरफ से कुछ विधवा महिला के लिए, अकेला महिला के लिए कुछ ज़रूर सोचना चाहिए अलग से। मजदूर दिवस के इस अवसर पर महिला, जो अकेली महिलाएं हैं, एकल महिलाएं, उन महिलाओं के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। इस प्रकार की महिलाओं को न सिर्फ परिवार में सताया जाता है, बल्कि परिवार से बाहर समाज के लोग भी बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। उन पर तानाकसी, छींटाकसी, उनको परेशान करना, और भी कई तरह की घटनाएं होती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी महिला का, लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं जिन महिलाओं को आधी रात के, जिनके घरों को खटखटाया गया, जिनको तंग किया गया, घर में बेहद डरे हुए लोग, बेहद परेशान लोग, और आधी रात को हम लोग पुलिस की व्यवस्था करके उनके दरवाजे पर भेजे उनकी सुरक्षा के लिए। तब तक ना तो आसपास का कोई भी व्यक्ति उनके लिए इंतज़ाम करने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार की हमारी महिलाएं जानती हैं कि वो मजदूरी करने चलती हैं तो उनके साथ किस किस प्रकार की घटना होती है। आप महिलाओं के साथ में यौन शोषण की भी कई प्रकार की घटनाएं कहीं घटती होंगी, जो खुल के सामने कभी बात नहीं आती है। महिलाएं घर में बच्चियों को छोड़ के बहुत असुरक्षित वातावरण में महिलाएं निकलती हैं, उसके पीछे बहुत असुरक्षा उनके साथ में बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के साथ बनी हुई। सरकार अपने स्तर पर जो कुछ भी कर रही है, महिला थाना में मामले भेजे जाते हैं, महिला थाना वैसे का वैसा मामला वापस कर देती है। वो ये कहती है कि किसी भी मामले में अगर कोई क्राइम है, कहीं पर कोई हिंसा है, हम उसमें काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ पति पत्नी के मामले में जो आपसी विवाद है, हम सिर्फ विवाद के मामले में काम करेंगे। तो अब हिंसा की शिकार महिला किस जगह जाए, किस जगह पर जाए, कहाँ पर अपना गुहार करें, ये बहुत बड़ी समस्या है कि उत्पीड़न का ये मामला जो है उस पर कौन उनकी पुकार सुनेगा। हम लोग संगठित होकर अपने स्तर पर महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रशासन ही साथ न दे फिर इंसान कहाँ जाए, क्या करेगा। तो सरकार को निश्चित तौर पर इन विषयों पर सोचना चाहिए, तभी महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ हो सकता है। और महिला श्रमिकों की दशा तो और भी बहुत दयनीय है, कई प्रकार के लोन की शिकार है, उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज है। महिलाएं जितना कमाती हैं, एक अच्छा सपना देखना भी आज के समय में गुनाह है, गरीब के लिए तो बहुत गुनाह है। प्राइवेट स्कूलों में उनके बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक जाएंगे पता नहीं, क्योंकि इतना भारी भरकम फीस, उसकी किताबें और उसकी जो कुछ उसके साथ में मतलब जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने में लोगों का हाल खराब हो जाता है। वो हर दिन एक नया कर्जा और एक नए कर्जे के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो सरकार अपनी ओर से तो खुश हो जाती है कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, महिलाओं के लिए हमने वो किया, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है ये कोई महिला मजदूर, ये महिलाएं ही बता सकती हैं जो इस प्रकार की पीड़ा को झेल रही हैं। तो आज के इस अवसर पर महिलाएं अपनी बातें, अपनी समस्या को लेकर सामने आवें और इस पर संगठित होकर विचार किया जाए, संगठित होकर अपनी बातें रखी जाए। हमारा यही निवेदन है, संबल का यही मिशन है। संबल महिलाओं के लिए काम करती चली आ रही है, महिला मजदूरों के लिए काम करती चली आ रही है। तो हम लोग इस मिशन को और भी मजबूत करें और अपने आंदोलन को और भी प्रखर बनाएं। जय हिंद। आज इस मजदूर दिवस पर सबसे पहले हम संबल, जो एक संस्था है जो शोषण दमन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती आ रही है, यह एक संस्था है, लेकिन एक जीता जागा जागृत संस्था है जो आपको, हमको, सबको एक्टिवेट, यानी कि आपको
लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए एक ताकत प्रदान करता है। मैं इस संबल को भी प्रणाम करता हूँ और आप इसके अंग हैं और आपके बल पर ही संबल है, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। इस मजदूर दिवस पर आप कभी भी अपने को मजदूर मत समझिए और कभी भी मत सोचिए कि हमको कहीं किसी से काम लेना है। अगर किसी परिस्थिति बस कहीं आप काम करती हैं और पैसा वहाँ से मिलता है तो वो कोई आप पर एहसान नहीं करता, आप काम करती हैं उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। और समस्याएं जब तक जीवन है समस्याएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन लड़ते जाना है और यही जीवन है। अभी दो रोज कबल हम मधुबनी गए थे, एक धार्मिक स्थल पर गए थे और वह धार्मिक स्थल महर्षि जनक यानी भगवान राम के ससुर द्वारा स्थापित मंदिर है। उनके द्वारा 5 मंदिर स्थापित किया गया था जिसमें एक कोणेश्वर मंदिर भी है। वह हम इसलिए बता रहे हैं कि उससे भी आपको शिक्षा मिलेगी। वहाँ एक महात्मा है जो करीब 82 साल के हैं और वह बेरुखी से बात करते हैं, गाली भी बकते हैं। उनको हम कहा है कि बाबा कुछ समस्या है, आपसे बात करना है। कहा कि बेहुदा तुमको नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कष्ट है, अभी सबसे ज़्यादा कष्ट में है तो नरेंद्र मोदी कष्ट में है, कौन सी का कष्ट है। और वो बाबा जो है वो खाते कम है, इसलिए है कि पूरा उनका जो उंगली है, उंगली में सब में अंगूठी है चांदी का और यहाँ तक चांदी का कारा लगाए हुए हैं और उंगली उनका मुड़ गया। चाय भी पीते हैं तो ऐसे करके कोई भक्त देता है और चाय से पीते हैं। हम पूछे कि इनको बाथरूम में अब जाने में कहे कि हाँ सब समस्या इनको है, लेकिन और कहे कि हम जितना पाप किए हैं ना ये सब पाप का ये सब भोग है। और वो छत के नीचे रहते हैं, कहते हैं कि ये जो गरज रहा है आकाश हम पर गिर जाएगा। तब के बाबा ये इसमें से खोल के हमको दीजिए। क्या कि 1 लाख रुपया देगा? हम बोले महात्मा आप 1 लाख लेके क्या कीजिएगा, नहीं 1 लाख दो तो देंगे। तो हमको रुद्राक्ष का 3-4 दाना दिए। तो ये कहने का ये अर्थ है कि एक महात्मा भी नहीं को न बाल है न बच्चा है न कुछ नहीं है, 82 साल की उम्र में है। हम कहें कि समाधान क्या है, तो पूजा करो पाठ करो वही तुम्हारा कल्याण करेगा। हम पूरे मन नहीं लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ तो कम से कम करो सब कल्याण होगा। तो हम नास्तिक हैं लेकिन आप सब बुजुर्ग हैं समझदार हैं, अगर 2 मिनट के लिए भी 4 मिनट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आप कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको शांति मिलेगी, कुछ शक्ति मिलेगी। अभी कलयुग में अगर कोई साक्षात देव है तो वो मेरे समझ से हनुमान है, चूँकि लोग कहते भी हैं और कुछ हमको भी एहसास होता है। आप को प्रयास करना होगा कि कोई ऐसा काम हम करें, बहुत सा काम है जो छोटा स्तर से भी आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कीजिए कि हम 1-2 लोगों को रोजगार देंगे। आपको कहीं चौका बर्तन करने के लिए जाना नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा परेशानी तो होगी, कष्ट तो होगा। अभी कल परसों देख रहे थे YouTube पर, आप लोग भी देखे होंगे, एक लड़की रहने वाली यूपी की आकर के पटना में चाय का दुकान खोली है और पढ़ी लिखी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है बनारस में BHU, वहाँ से ग्रेजुएशन की अभी देखी हुई। और कहे कि हम यहाँ इसलिए है कि हमारे माता पिताजी चाय का दुकान खोलने के लिए नहीं कहते, और पढ़ी लिखी जग कि हम प्रयास किए कहीं नौकरी नहीं मिला और यहाँ, और रोज जो है वो चाय कितना बेच लेती है, 700-800 कप बेचती है और चाय का उसका कीमत भी है, चॉकलेटी चाय और क्या क्या चाय, अब चाय का भी बहुत सा वैरायटी है,
मसालेदार चाय, चॉकलेटी चाय, कौन चाय कौन चाय, और एक चाय जो 5 रुपये मिलता है वो चाय 10 रुपये 20 रुपये का मुजफ्फरपुर में बिकना शुरू हो गया चाय। तो आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़िए, छोटा ही धंधा शुरू किया जाए, कम पैसा से भी है, सोचिए क्या करना है और अपने दिमाग को शरीर को बैठने मत दीजिए। बैठिएगा जिस समय आप मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ जाएंगे। आप में इतना इतना एनर्जी, इतनी शक्ति है, मेरा भी 67 साल उम्र हो रहा है, अब जो सोच मेरा बदल रहा है, अगर ये 10 साल पहले हमें सोच आता तो हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते। ये सोच भी तो अब सोच जो आ रहा है पता नहीं कहाँ से ईश्वरीय कृपा है क्या है, अब काम करने की इच्छा भी हो रही है, कुछ लोगों को प्रेरणा देने की भी इच्छा हो रही है और बहुत सा इच्छा है काम करने का। तो कुछ पारिवारिक बंधन भी कि ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लोग कहेगा कि आप ऐसा इस वकालत किए और ये इस काम की ओर कर रहे हैं, नहीं है, अभी बहुत स्कोप है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे को सहयोग भी कीजिए और संगठन भी मजबूत हो। और संगीता जी के संबंध में हम क्या कहें, संगीता जी हमसे उम्र में निश्चित तौर पर छोटी होंगी लेकिन इनका बहुत सा अनुभव, बहुत सा हिम्मत, लड़ने की जो इनमें क्षमता है, जो तर्क है, जो त्याग की भावना है, वो बहुत कम लोगों में मिलेगा। और यही कारण है, यही प्रेरणा का स्रोत है कि आप लोगों को एकजुट रखी हुई है, भले अपने समस्या में रहती हैं लेकिन आपको एहसास नहीं होने देंगे, भले समस्या से घिरी हुई है लेकिन आपका समस्या का निदान कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, इसका ये प्रयास करती है। तो हमको आपको सबको भी इस दिशा में काम करना है, काम का स्कोप कभी नहीं बंद हुआ है, बंद होगा भी नहीं, और जितना काम कीजिएगा उतना ही शरीर चलायमान रहेगा, दिमाग काम करेगा, सब पूछेगा, नहीं तो घर में भी आप नहीं कीजिएगा कोई नहीं पूछेगा, आपको अपने भी मन नहीं लगेगा। और अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन वो लोग जिस क्षेत्र में है काम कर रहे हैं अनवरत कर रहे हैं। तो इस मजदूर दिवस पर हम आप लोगों को एक कहेंगे कि मजदूर से भी ऊपर बढ़िए, अपने को मजदूर मत सोचिए, आप समाज के अंग हैं और आपको वही आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस मजदूर दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन सफल हो, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।